सो आज की इस वीडियो में आप बताऊंगा ई श्रम कार्ड जो है कौन कौन लोग बना सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें जो 38 करोड़ जो लोगों के लिए ये सरकार ने ये स्कीम स्टार्ट किया है, इससे क्या होगा कि सरकार के पास एक तो डेटाबेस चला जाएगा कि इतना जो 38 करोड़ लोग हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कितना लोग जो है लेबर हैं, कितना लोग कौन सा वर्क करते हैं, ये सारे डेटाबेस उनके पास जाएगा। तो सरकार का मेन मोटिव यही है कि उनके पास ये डेटाबेस चला जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो जनधन अकाउंट है सरकार ने जब ओपन किया था और जब महामारी आया था कोरोना का, उस समय सरकार को कुछ मदद करना था लोगों को, जो गरीब हमारे किसान गरीब लोग हैं उनको मदद करना था, तो उनके पास वो डेटाबेस था जो कि जनधन अकाउंट का, तो उससे कनेक्ट करके उन लोगों के अकाउंट में कुछ पैसा का मदद किया सरकार ने। तो उसी तरह से ये भी एक समझ लिए कि सेम ही स्कीम है, अगर सरकार चाहे तो उन लोगों को जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो लेबर एक लेबर की तरह काम करते हैं, कोई फिक्स उनका जॉब नहीं है यानी असंगठित लोग हैं, उनको कुछ मदद कर सकें, तो इसके लिए उन्होंने ये क्राइटेरिया निकाला है कि 16 से लेकर और 59 साल के जो लोग हैं, जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं और EPFO एंड SI कार्ड नहीं है जिनका, वही लोग सिर्फ इस कार्ड को बना सकते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस कार्ड को बना सकते हैं, इस श्रम कार्ड को। इसके जरिए सरकार उनको कुछ मदद करेगी और आने वाला समय में कोरोना जैसे महामारी अगर आती है तो उस समय उनको मदद करने में कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा, उन लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में कुछ मदद भी कर सकती है सरकार। तो सरकार का मेन मोटिव यही है, सिर्फ उनके लिए है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हम जो ई श्रम जो विभाग है, ई श्रम कस्टमर सपोर्ट है, उनसे मैं बात करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई वीडियो फेक नहीं है। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।